लास्ट वाली रोटी होती है उसको अपने पति को और बच्चों को न खिलाएं, अन्यथा आ जाए तो भैया कह नहीं सकता हूँ मत दान करिए, फिर तो भागोगे। जो पहली वाली रोटी बनती है वो गऊ के लिए निकालनी चाहिए और अग्नि देवता को जिमानी चाहिए। कि बच्चा कहना तो यूँ नहीं मानते हैं जी, इधर उधर चलेंगे, परेशानियाँ आएंगी, अपने मूड का काम करेंगे। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के भक्तों के श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ महाराज जी हैं जो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छा खासा, और हमें बताते आए हैं प्लॉट कैसे हों, कौन से शुभ हैं, किस तरीके से हमें अपना प्रवेश द्वार बनाना चाहिए, कौन सा प्रवेश द्वार, कौन सा प्लॉट भारी है, किस मकान में स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा प्लॉट, कौन सा मकान सही है, तो ऐसे महाराज जी बताते हैं। आज महाराज जी से हम जानेंगे कि आजकल मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और सवाल रहते हैं कि बच्चे, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, या बच्चे हमारे कुछ बातों को नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, या फिर हमारे जो बताए रास्ते पर उस पर नहीं चल रहे हैं। तो उसके बारे में महाराज जी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। ये आज की जो वीडियो है वो माताओं बहनों के लिए है, उपाय के साथ साथ महाराज जी ये भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्या है। तो जय श्री राधे महाराज जी। श्री राधे। हाँ तो महाराज जी, मैं आज जानना चाहूँगा कि जैसे आप बताते हैं हर चीज़ के बारे में बताते हैं, ज्योतिष के बारे में बताते हैं और वास्तुशास्त्र के बारे में बताते हैं, वास्तु टिप्स भी देते हैं, तो आज महाराज जी, आज मैं आपसे जानूंगा कि आजकल कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत पूछते हैं कि हमें बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, बच्चे सही राह पे नहीं चल रहे, सही राह पे कैसे आएँ, कहना कैसे माने, तो महाराज जी उसके बारे में आज बताएं। देखिए, बच्चा कहना तो यूँ नहीं मानते हैं जी कि सब पढ़ी लिखी लेडीज हैं जी और सासू जी की बात मानती नहीं अपनी की। अच्छा, पहले तो उनको ये करना चाहिए कि गऊ ग्रास निकालना चाहिए। अच्छा, गऊ ग्रास अन्न, उसमें से अन्न में से थोड़ा सा अन्न किसके लिए, गैया के लिए, एक चंदिया जो पहली वाली रोटी बनती है वो गऊ के लिए निकालनी चाहिए और अग्नि देवता को जिमाने चाहिए और जल के छींटा लगाने चाहिए, तो उनसे सूर्य शांत हो जाएगा और जो भी ग्रह है वो शांत हो जाएंगी, तो बच्चे सेंटर में रहेंगे। और पीछे वाली रोटी, हमारे ये कुत्ते हैं, इनके कोई खेती कारी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा, पीछे वाली रोटी कुत्ता की है और कुत्ता की रोटी नहीं दी, बाद बाकी सारे लोग खा गए, गैया की भी खा गई, कुत्ता की भी खा गई, तो क्या होगा, बुद्धि तो खराब होगी, बच्चे कैसे मानेंगे बात। अच्छा। इधर उधर चलेंगे, परेशानियाँ आएंगी, अपने मूड का काम करेंगे। अच्छा। फिर कहेंगे कि पंडित जी के पास जाओ, कि वहाँ जाओ, कि वहाँ जाओ, क्या है, आप घर बैठे ही ये कर सकते हैं। पहली रोटी गैया की, गैया को दीजिए, अग्नि को जमाइए जल का छींटा लगा करके, कुछ मिष्ठान रख करके, और पीछे वाली रोटी एक कुत्ता को निकालिए, घर में सब काम शुभ होता ही चला जाएगा। इन कामों को करते कहाँ हैं, भूल जाते हैं भाई। ये अन्न का दान देने से, गऊ ग्रास निकालने से, कुत्ता को खाना देने से क्या आपके आटे में कमी आ जाएगी, नहीं आएगी। कहा भी तो है, चिड़िया चौंच भर ले गई नदी ने घटिया नीर, दान करे धन ना घटे कहेगे दास कबीर। भाई आप लोग ये दो रोटी का आटा ऐसे निकाल दोगे तो कमी थोड़ी आएगी आपके यहाँ, अगर कमी आ जाए तो भैया कह नहीं सकता हूँ मत दान करिए, फिर तो भागोगे। बच्चों से प्यार से बोलिए, बच्चे बिल्कुल सही रिश्ता पे चलेंगे। बच्चों के हाथ लगवा करके खिला दीजिए, अरे बच्चों के हाथ लगवा करके खिलाओगे और बच्चे चलो ठीक है स्कूल चले जाते हैं, छोटे बच्चे हैं नई बात मानते हैं, उनका हाथ लगवाओगे, हाथ लगवाओगे तो क्या होगा पता है, जो काम दवा से नहीं होते वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। बिल्कुल भगवान ऐसा आशीर्वाद देंगे, बच्चे आपके सही रास्ते पर चले चलेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी सही रहेंगे। अच्छा, हाँ तो महाराज जी, वैसे ऐसा होता क्यों है, कैसे? ये ऐसे ही होता है, किसी के मन का भ्रम होता है या फिर होता है? नहीं, मन का भ्रम नहीं है, ये जो है पहले से हम लोग भूल करते आते हैं। ये काम करना चाहिए, गैया की रोटी है उसके उसका हिस्सा है, उसको गैया को दे देना चाहिए, कुत्ते का है कुत्ते का हिस्सा दे देना चाहिए, उसके बाद में आप लोग भोजन करिए। तो बड़े बूढ़े तो कहते हैं महाराज जी, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न बहू नहीं मानती हैं, जब ही तो परेशानी आ रही है सामने। अच्छा, फिर कहती हैं कि पंडित के पास जाओ। हाँ, फिर क्या, पंडित जी कौन परमात्मा है, बिल्कुल सही कर देंगे। अच्छा, तो ऐसा महाराज जी आपने जो उपाय बताया है, अब जो उपाय है वो एक और बार बताएं, और जो इसी का उपाय एक ये ही है जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कि पहली रोटी इसे चंदिया कहते हैं, उसको गैया को खिलाएं और पहले उसमें से थोड़ा सा गैस के चूल्हे पर डालें और जल के छींटा लगाएं,
उससे तुम्हारे देवी देवता उससे, हाँ कुछ मीठा लेकर के उससे वो आपके देवी देवता सब प्रश्न हो जाएंगे। तो मीठे में चीनी चल जाएगी, चीनी चल जाएगी। अच्छा, जैसे गाय की रोटी पहली बनाई उसमें हाँ, चीनी लगाई और चीनी चल जाएगी। और लास्ट वाली रोटी होती है उसको अपने पति को और बच्चों को न खिलाएं, अन्यथा पीछे ही रह जाएंगे। अच्छा, उसको कुत्ते को खिलाएं। अच्छा, जो पीछे वाला अन्न है वो रोटी है वो कुत्ते के नाम की है, उसको आप न खाएं, उसको कुत्ते को खिला दें। अच्छा, तो मामला सही बनता रहेगा आपका। बहुत से कहते हैं महाराज जी कि ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, होता है, उसके नाम का है। अच्छा, पहली रोटी गैया के नाम की है, पीछे की कुत्ता के नाम की है। अरे बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि लाला तूने पिछाई रोटी खाई है और पिछाई अकेले आवेगी। बिल्कुल यही कहते हैं, फिर पछताएगा। बिल्कुल सही, फिर पछताएगा, फिर क्या होगा। तो ऐसा काम क्यों करो भाई। बिल्कुल, घर में से कुछ अन्न निकल जाए तो कोई घाटा तो आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात महाराज, ये बात ध्यान रखिए बस। अच्छा, तो बच्चों का जो आपने बताया कि आजकल की जो बहू हैं तो अपने बच्चों को अगर सही रास्ते पे लेके आना है तो ऐसा करें, ये काम करें, सिर्फ यही एक उपाय। हाँ, ये काम तो करती रहें, इसे करने से कोई घाटा तो आएगा नहीं। अच्छा, और वैसे महाराज जी और कोई उपाय, वैसे कोई बात नहीं है। बच्चों से प्यार से बोलिए, प्यार से जगाइए, प्यार से खाना दीजिए, प्यार से भेजिए स्कूल, प्यार से आ जाएं तो प्यार करिए, स्कूल से आ जाएं तो सही। बच्चे सही सही तरीका पर चलेंगे। अगर आपने तेजी से बोलना चालू कर दिया तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को आदत में आ जाएगी, बोले कि मेरी मम्मी पापा मुझसे तेज बोलते हैं, उनको आदत में आ जाएगी, तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है बकरे बकने दो। इसलिए मिष्टा प्रियावासिनी कृदालचन का शुक्र अग्नि, मीठा वचन बोलिए तो बच्चे भी आपसे मीठे वचन बोलेंगे। कहते अभिवादनशील चमरचाणाम सतम अर्चाण जीविता, अभिवादन तुम करोगे जैसे उनको रामकृष्णा सिखाओगे वही बच्चा ऐसे सीखेंगे। नागरिकता का पाठ बच्चा अपने माता पिता से ही सीखता है। बिल्कुल सही बात है, नागरिकता का पाठ बच्चा अपने माता पिता से ही सीखता है। पहली गुरु माँ ही होती है। अरे माँ है, माँ शिक्षा देगी, वही स्थान बच्चे वही रिश्ता पे चलेंगे बच्चे और सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये काम करना चाहिए आपको, तो यही उपाय। हाँ, तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने आज बताया, ये उपाय जो बताया ये माताओं बहनों के लिए बताया, क्योंकि बड़े बूढ़े जो हमारे पहली जो कहावत है और जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहली घर में अगर रोटी बन रही है तो पहली रोटी रहती है गाय के नाम की, और जो लास्ट की और जो आखिरी रोटी है वो रहती है हमारे कुत्ते के नाम की। तो ऐसा ही करें, ऐसा शायद हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को शायद नकार देते हैं, लेकिन जो बुजुर्गों की और जो बड़े बूढ़ों की जो सीख हैं, जो कहावतें हैं, वो आज भी सत्य हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो महाराज जी ने बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा, बच्चे सही राह पर चलेंगे और जो भी समस्याएँ रहेंगी घर से दूर रहेंगी, पति पत्नी बच्चे सास ससुर सभी खुशहाल रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, महाराज जी के ऐसे ही उपाय जानते रहें, जी मेरे साथ बने रहें, साधु संतों के श्रद्धालुओं के और भक्तों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।